यहाँ से व्यू देखिए गाइस कितना शानदार है। तो गाइस ये मंदिर जो है माता चिनपुनी से 3-4 किलोमीटर और शीतला माता से भी 3-4 किलोमीटर डिस्टेंस पे ही है। ये रास्ता जा रहा है बाबा नकोदर दास जी के लिए। गाइस आज हम जा रहे हैं बाबा नकोदर दास जी, अभी अपने चाचा खड़े हैं, उसके चाची बैठे हैं और चलते हैं, फिर आपको मंदिर दिखाते हैं। और इस साइड से आ रहा है ये माता चिंतपूर्णी से और इधर जा रहा है ये तलवाड़ा की साइड, और अब ये रास्ता कटेगा नीचे बाबा नकोदर दास के लिए। चलिए चाचा जी चलिए फिर। तो गाइस जैसा कि देख सकते हो अभी हम पहुंच चुके हैं नकोदर दास, बाबा नकोदर दास जी, जो कि श्री 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 101008 बार नकोदर दास बाबा जी का मंदिर है ये। अभी हम पहुंच चुके हैं, अभी हम जाएंगे फिर अंदर माथा टेकेंगे और आपको भी टिकाएंगे मंदिर कैसा अंदर से। बट आज यहाँ ना रश नहीं है इतना, वैसे आप नॉर्मल डे आओगे ना पे काफ़ी रश मिलेगा आपको, अभी बिल्कुल भी रश नहीं है, एकदम खाली है मंदिर। और ये अपने फैमिली के मेम्बर, क्यों ना तेरी कैसा फील हुआ फिर? चाचा ठंड लगी है, बड़ा रंगीन है तो बंदा बड़ा शौकीन है। मौसम बड़ा रंगीन है तो बंदा बड़ा शौकीन है, क्या बात है, डायलॉग बहुत शानदार है चाचे का। ओहो क्या बात है यार। तो ये अपने सारे भाई है, हेलो ब्रो सारे, हेलो भाई, अंदर तो आया हुआ है वो, और टिंकल भी है, टिंकल तू भी आ जा, इतनी दूर दिखेगी ना तू यहाँ से, है इतना बहुत है। वो शर्मा रही है अभी, तो अभी चलते हैं अंदर गाइस, फिर आपको भी दिखाते हैं मंदिर कैसा है अंदर से। और ये श्री 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 1008 बार है ना, 1008 हो गया बाबा नकोदर दास जी धर्मशाला मानता। तो ये सामने जो रास्ता है ये बंद होता है मोस्टली, तो आप इधर से जा सकते हो, ये रास्ता पार्किंग वाला रास्ता है और ये खुला ही रहता है हमेशा ही, हाँ ये खुला है, तो आप इधर से भी जा सकते हो मंदिर के अंदर, तो ये रास्ता भी खुला होता है। और अभी चलते हैं अंदर और दिखाते हैं आपको मंदिर। यहाँ तो आते हैं गाइस श्री बाबा नकोदर दास जी, अभी ये जा रही है सीढ़ियाँ ऊपर, एंड ये है टेम्पल गाइस ऊपर से। गाइस अभी आ गए हैं ऊपर, तो गाइस ये है नकोदर बाबा जी का गद्दी अंगी। हाँ यहाँ से कुछ जो व्यू है गाइज काफ़ी अच्छा है, और ये है देखिए खूबसूरत सुबह का व्यू है गाइज, इस समय मॉर्निंग हो चुकी है। और गाइज शुरू मैं भूल भी, एक्चुअली मैंने अपनी वीडियो की शुरुआत भी नहीं की। सो गाइज हाय गाइज दिस इज़ विशाल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल हिम बाइकर गिशू। सो गाइज हिमाचल के पहाड़ों से आपका दोस्त एंड होस्ट विशाल आपका स्वागत करता है आपके अपने चैनल हिम बाइकर गिशू में। सो गाइज आज हम आए हैं बाबा नकोदर दास जी, ये जो गद्दी है बाबा नकोदर दास की गद्दी, यहाँ पे पंजाबी और हिमाचल के बहुत लोग आते हैं माथा टेकने के लिए। तो ये है मंदिर। सो गाइस ये है श्री श्री बाबा नकोदर दास जी का टेंपल, एंड ये देखिए यहाँ पे गद्दी पर लिखा हुआ था कौन कौन बैठे हैं यहाँ पर। पवित्र गुफा, ये बड़ वृक्ष है, मैं यहीं बैठता हूँ नकोदर दास जी। हाँ जी हाँ जी जी, ये तो पसंद पेड़ है ना, वो दिखेगा नहीं शायद, इसकी मिट्टी का भी कुछ होगा कि बच्चों को मिट्टी खिलाते हैं इसकी, फिर वो मिट्टी नहीं खाते बच्चे,
तो गाइस इस पेड़ की जो मिट्टी है ना बच्चों को खिलाई जाती है, छोटे बच्चों को जो मिट्टी खाता हो ना फिर वो मिट्टी नहीं खाता उसको खाने के बाद, नहीं उस मिट्टी में भी कुछ है, कैल्शियम की कमी पूरी कर देते हो तो अभी ये देखिए चलो ये है बड़ वृक्ष, काफी बड़ा है। बस होगी फेरी तो गाइस ये मंदिर जो है माता चिंतपूर्णी से 3-4 किलोमीटर और शीतला माता से भी 3-4 किलोमीटर डिस्टेंस पे ही है, और यहाँ से शीतला माता भी दिखती है और ही ऊपर, यहाँ से सीधा दिखती है शीतला माता का टेंपल, सीधा ऊपर उधर माता शीतला का टेंपल है मेरी सीध में, दोनों 5 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर यहाँ से चिंतपूर्णी और शीतला माता यहाँ से 3 किलोमीटर है। आप अगर आते हो तो यहाँ भी विजिट कर रख सकते हैं। चले व्यू देखिए वैसे कितना शानदार, आई थिंक पहले भी दिखाया होगा आपको, इनकी फोटो ही नहीं हो रही है, खींचो जल्दी फोटो खींचो यार, और क्या नखरे मार रहा है और ये यहाँ से सराउंडिंग का व्यू गाइस बहुत ही खूबसूरत व्यू है, और ये है मंदिर, यहाँ पे सिर्फ गद्दी थी बाबा गुरुद्वारा जी की, तो यहाँ पे जो पंजाब से बहुत लोग आते हैं गाइस दर्शन करने के लिए, बहुत ज़्यादा लोग आते हैं और हिमाचल से भी आते हैं, जिनकी श्रद्धा होती है उनकी पूरी भी होती है मनोकामना यहाँ पर। और अभी चल रहे हैं हम यहाँ से वापस घर, तो गाइस ये है सामने माता चिंतपूर्णी का मंदिर, वो दिख रहा होगा आपको ऊपर शायद गोप्रो में इतना कैप्चर नहीं हो पा रहा होगा, और अभी हम जा रहे हैं वापस क्योंकि कुछ को जाना चंडीगढ़ वापस बंदों को हमारे, उनको बस पकड़नी है तो उनको वापस छोड़ना भी पड़ेगा, और वो है सामने शीतला माता का टेम्पल, पता नहीं गोप्रो में दिख रहा है कि दिख रहा नहीं दिख रहा हो, आई थिंक सो। शीतला माता का जी का टेम्पल, तो इस पर मैंने वीडियो ऑलरेडी बना चुका हुआ हूँ मैं, अगर आपने नहीं देखी तो वो भी देख लेना एक बार जाकर। गाइस हम घूमते फिरते आगे अब शीतला माता मंदिर, तो अभी विचार बना सभी का कि माथा टेक के आते हैं शीतला माता भी, अब आए हुए तो माथा टेक ही लेते हैं क्यों भी, बिल्कुल। तो अभी देखते हैं यहाँ पे माथा फिर चलते हैं, और मैंने शीतला माता की गाइस वीडियो और भी बना रखी है अपनी पहले से बनी हुई है, अगर आपने वो ही देखी है तो उसमें पूरी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, लेकिन इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन दूंगा आपको, उसे दर्शन करा दूंगा माता जी के, क्योंकि अभी हम जा रहे हैं पूरी फैमिली के साथ तो माथा टेक लेते हैं ऊपर जाके। तो वैसे इसके अलावा मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो बना रखी है ऑलरेडी, वो भी चेकआउट कर लेना, मेरे चैनल पर पड़ी हुई है, तो उसमें पूरी इन्फॉर्मेशन दी है शीतला माता के मंदिर के बारे में। और ये है टेम्पल रास्ता, ये है दूसरा रास्ता, फिर हम आ गए हैं ऊपर टॉप पर, चलो भाई चलो जोर से बोलो जय माता दी, मैं नहीं सुनिया जय माता दी, जोर से बोलो। ये है शीतला माता मंदिर, और सामने जो है वो शीतला माता मंदिर है, और ये बड़ वृक्ष है, ये फिर टेम्पल इसलिए फेमस है गाइस कि यहाँ पर बहुत शीतल रहती है, और ये जो माता फेमस है फोड़े फिंसे जिसको होते हैं फेस पे या कहीं पर भी, तो जो यहाँ आ गया माथा टेकता है तो उसको फोड़े फिंसे भी नहीं होते हैं। मेन रास्ता
अंदर जाने के लिए, माथा टेकने के लिए। और ये रेलिंग लगाई हुई यहाँ पर, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा भीड़ होती है तो कोरोना यहाँ पर इतनी भीड़ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लाइन लगी होती है बहुत लंबी लंबी। तो गाइस ये है हमारा सीता जी का टेम्पल, आप भी दर्शन कर लीजिए। अभी हम चल रहे हैं नीचे घर, वापस घर चलते हैं। एंड आई होप आपने भी हमारी तरह अच्छे दर्शन किए होंगे जैसे हमने किए हैं, और माता रानी आप सबकी भी मनोकामना पूरी करें जो घर से दर्शन कर रहे हैं माता रानी जी के। सो ये थी गाइस शीतला माता, और इससे पहले हम आए थे बाबा नकोदर दास जी से, और उसके बाद आए हम शीतला माता। और वीडियो रखते हैं तक, हम मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन राइड हार्ड, राइड सेफ एंड ऑलवेज वेयर अ हेलमेट। तो बाय 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 बाय।